एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी ही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। सेलिब्रेट का मतलब एक छोटा सा बेटा को केक खिलाएंगे, कल उसका बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि चलो 12 बजे रात में भी थोड़ा सा कटिंग वटिंग करवा लिया जाए। एक्चुअली मैंने केक नहीं मंगाया है, मैंने पेस्ट्री मंगवाया है। रीज़न कि रात को तो हम लोग डिनर कर चुके हैं, तो रात को 12 बजे कौन इतना बड़ा केक खाएगा? इतना भी छोटा होता है तो दो तीन आदमी के लिए तो इनफ ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला कि दो पेस्ट्री ला दीजिएगा, हम लोग देसी जुगाड़ करेंगे, उसको इसको उसी को ज्वाइंट करके उससे उसी को उसको खिला देंगे अभी। देन कल सुबह देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो पहले इस देसी जुगाड़ को सेट कर लिया जाए। अभी एक हाथ से खुल भी नहीं रहा है, तो पहले खोल लूँ मैं इसको। ये हमारा स्वीट्स देखा जाए पहले। हाँ, इतना अच्छा है, मैंने बोला ही था कि छोटा ही लेके आइएगा। कि कहने की बात ये है कि कौन खाएगा यार, सौ बात की एक बात, इतना खाएगा कौन? इसको अच्छे से खोल लो पहले। खुल गया हमारा जो प्लेट है, उसमें हम इसे सेट कर देते हैं पहले ऐसे, है ना? ये हो गया सेट। क्या हो गया सेट? अब इसमें हम अपना कैंडल पहले खोल लेते हैं, उसके बाद। अभी मैं इसमें सिर्फ दो कैंडल ही डालने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी का जो कैंडल है वो कल यूज़ हो जाएगा। वो क्या है ना, हम लोग थोड़ा बचाऊ तरीके टाइप है ना। हमारा केक भी रेडी और मैं भी रेडी हूँ। और बेटा को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने उसके लिए ऐसा कुछ मतलब सोचा था, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो सो रहा है तो मैं उसे उठाती हूँ, थोड़ा उसके चेहरे की खुशी और एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं। स्पून ले लेते हैं, इसको काटेंगे नहीं, डायरेक्ट स्पून से ही बेटा को खिलाया जाएगा। ये देखिए, आजा 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 आजा। अच्छा ठीक है, रुको ना, कैंडल थोड़ा जला लेने दो, एक सेकंड रुको। माचिस उस रूम में है, एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिला दें, एक सेकंड रुको। कैंडल तो निकाल लेते हीरो, यहाँ आओ, उस पे नहीं बैठते ना। और ये रहा बाइट, कैसा है? अच्छा। हेलो किसी रूम, मजा आ रहा है ना? खा लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज है मेरे बेटे का बर्थडे। जी हाँ, और इनको देखिए, ये नहा के रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों ने घर का पूजा कर लिया है और आज इसका बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं बजरंग बली के मंदिर, थोड़ा उनका भी आशीर्वाद ले लिया जाए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ शुरू से ही अगर जैसे किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो हम लोग उस दिन भगवान के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करते हैं। तो घर में तो पूजा हुई, अच्छे से पूजा हुई, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो चुका है, धूप निकल चुकी है। नहीं तो नॉर्मली मेरा मॉर्निंग सुबह होता है, वैसे ही बच्चा था तो मैंने जल्दी सुबह उठाया नहीं इसको, ये आराम से उठा है, 7 बजे के बाद उठा है। तो अब हम लोग जाएंगे मंदिर में पूजा करने, है ना? तो अब हम लोग जाएंगे, थोड़ा हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ पे पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। उसके बाद ऐसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ बच्चा है तो उसके लिए शायद छोटा मोटा एक कटिंग वगैरह होगा, इसकी वजह से उसके लिए ही सीख, क्योंकि ऐसा कुछ खास होता नहीं है। वो जब बड़ा होगा, उसके जब फ्रेंड सर्कल होंगे तो देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होता है उसका। और पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आए दिन ऐसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कभी इस आँख में कभी इस आँख में, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं भी नहा चुकी हूँ, वो भी नहा चुका है, हम लोगों ने पूजा वगैरह सब कर लिया है, अब बस निकलने की रेडी है, जो कि इसके पापा अभी रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे, जो कि सबसे बड़ा है बर्थडे में भगवान का आशीर्वाद। जिस दिन जन्म लिए उस दिन भगवान का आशीर्वाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं पहले मंदिर, भगवान का आशीर्वाद। प्लीज
जस्ट इग्नोर माय फेस, बहुत जोरों की सर्दी हो गई है मुझे, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा है, आँख में पानी होने देख रहे हैं जैसा कि आप लोग। चलते हैं पहले मंदिर, मंदिर नहीं है, तबीयत थोड़ा ख़राब जैसा लगने लगा सडनली, और चलते हैं। ज़्यादा मेरी तेज़ हो गई है, पता नहीं क्यों हालत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा आँख में से पानी आ रहा है मेरे, और सर्दी एकदम, यहाँ खड़ा रहने का इच्छा नहीं है, और ये आराम से खेल रहा है। पूजा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठेंगे उसके बाद निकलेंगे। अब उसमें से क्या निकाल रहे हो, इलायची है तो? हाँ हाँ प्रसाद खा लिए जाए। यहाँ का प्रसाद तो बात ही अलग है, ये लड्डू और कहीं नहीं मिलता। पहले इस गेट से हम लोग जाते थे, अभी उधर से चल रहे हैं, बहुत दिन से उधर से चल रहे। तो अपना शूज़ पहन रहा है, आपने देखा ही, हम निकलते हैं यहाँ से। खाओ और आ गए हम मंदिर से, और ये भी देखिए ब्रेड और दूध खा रहे हैं, बन और दूध। मेरा फेस का तो पता नहीं क्या हाल हो गया है यार, सर्दी की वजह से आप मुझसे कंटिन्यू पानी आ ही रहा है, और अभी मैं आ गई हूँ तो यहाँ नाश्ता, मैं नाश्ता क्या होता है, चाय बना रही हूँ, एक तरफ चाय बन रहा है और दूसरी तरफ मैं अभी तो हम मटन फ्राई करेंगे, ताकि उसको भी मैं जाएँ ग्यारह बजने वाले हैं, लेट हो गया काफ़ी, पूजा वूजा करने में, उसको पेट में जाए, सुबह से उठा हुआ है और मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही होगी क्योंकि सर्दी की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है। तो मैं पहले फटाफट से इसको बनाती हूँ, बेटा अपना बन और मुझे इंजॉय करता है, उसके बाद बनने लगा है, प्याज भी फ्राई हो गया है, मटन डाली, चाय के साथ आगे अच्छा जाएगा पता करके, इसलिए चाय छाना गया है मेरा चाय। इसको बोलते हैं सुकून इस सर्दी में, बाकी आप आँख से कंटिन्यू पानी आ रहा है, हालत ख़राब हो गया। दूध की जो मलाई होती है ना, जो ऊपर जमी रहती है, उसे मुझे ऊपर चाय में डाल के पीने में मज़ा आता है, तो ये मेरा डेली का है। देखिए आप तो आई थिंक कम है, नहीं तो डेली और ज़्यादा होता है, और मज़ा आ गया मुझे चाय पी के, तो अपना चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मटर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसको खाऊँगी चाय के साथ यार, 11:30 हो गया, भूख लग गई चाय, खत्म नहीं होता है। चाय वह तो पी लिया है मैंने, अब जा रही हूँ बेटा के लिए मैं लेके आई हूँ चॉकलेट, तो वो देती हूँ, वो इन चॉकलेट से मतलब इतना ज़्यादा अटैच है ना उसको, चॉकलेट इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, अभी देखिए वो कितना ज़्यादा खुश हो चॉकलेट उसको जब मिलेगा, तो
अभी वो बोल रहा है कुछ खाएंगे नहीं, तो मैंने बोला चलो चॉकलेट दे देते हैं, जब कुछ खाएगा तो बना देंगे और क्या। ये कौन लेगा? रोज चॉकलेट खाने वाला भी ये हाल है यार। कैसा लगा चॉकलेट? मम्मा का सरप्राइज कैसा लगा? मम्मा का सरप्राइज बस चॉकलेट दे दो आप, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इसको इतना चॉकलेट पसंद है, देखिए कितना खुश हुआ। रख दो, अभी नहीं खाना, अभी तो खा लो। तो अभी बोल रहा है कि अभी कुछ खाएगा नहीं क्योंकि उसका मन नहीं है, क्योंकि अभी वो ब्रेड बन और दूध खाया है। तो मैंने बोला ठीक है, जब कुछ खाने का इच्छा होगा तो बोल देना। वैसे उसको मैगी खाने का मन है, तो मैंने बोला है ठीक है, जब बोलना कि क्या खाना है तो मैं बना दूंगी उस वक्त। और अभी मैं जाऊंगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मतलब सर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और आप देख रहे हो कि मेरा नोज इतना रनिंग हो गया है, आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है कंटिन्यू। तो ये विक्स में लगाऊंगी और एक घंटे के लिए थोड़ा आराम करूंगी। पता नहीं आज ही के दिन ये सब क्या हो गया। मैंने सोचा था कि थोड़ा उसके बर्थडे के दिन थोड़ा सा पैम्पर करूंगी उसको, घर थोड़ा बैलून से डेकोरेट करती, अगल बगल के थोड़े जो दो चार बच्चे हैं उन्हें बुला के केक कटवाती उससे, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ आज कर भी पाऊंगी कि नहीं। थैंक यू। तो मैं पहले रेस्ट करती हूँ, अगर मन ठीक रहा तो देखती हूँ शाम को कुछ कर पाऊंगी कि नहीं उसके लिए, तो इसलिए अभी रहती हूँ। हाय एवरीवन, इवनिंग हो चुकी है और हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली है बच्चे के लिए जैसे मैंने बोला था, और अभी मैं लगाने वाली हूँ गाना टीवी में, और थोड़ा बस केक कटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत खाना बन रहा है घर में, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डेकोरेशन। ये है बेटा का केक जो मुझे वैलेंटाइन डे पे फ्लावर्स मिला था, उसको मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया है घरेलू जुगाड़, और बस सिंपली एक ऐसे ही बलून को सजा दिया है मैंने बस, और क्या चाहिए है ना। तो बस मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश है और यही स्माइल चाहिए थी। अब हम लोग केक कटिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लगाते हैं हैप्पी बर्थडे गाना, और उसके बाद बेटा केक कट करेगा है ना। हाँ, और कैसे लगेगा? क्या बर्थडे वाला केक खा के देखना कैसा लगेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे बन रहा है खाना, ये चना मसाला बना हुआ है और उसके साथ है पनीर की सब्जी और सिंपली रोटी। और मैं आपको बता दूँ कि ये खाना मैंने नहीं बनाया है, अभी ने बनाया है क्योंकि मेरा हालत खराब था। बर्थडे ब्रिंगिंग कैसा था, मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन बच्चे के लिए इतना करना पड़ता है यार। सर्दी था, तबीयत खराब था, बिल्कुल इच्छा नहीं था, बट चलो वो खुश है तो
तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खाने में इसके साथ रोटी है और मैंने खाना नहीं बनाया, बी ऑनेस्ट, ये सब खाना हबी ने बनाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खड़े होने का भी, तो पता नहीं मैं खाऊंगी भी कि नहीं। लेकिन हाँ, वो खुश है, आज का दिन पैसा वसूल वाला हो गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और आप सभी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और तरक्की करे। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।